हाँ अभी बोलिए मम्मी जी, आप क्या कह रही थी कि ये चेंज होना चाहिए। जी वो ये कह रही थी कि बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें लिखना चाहिए जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मदरसों में तो वो पढ़ लिख के उससे तरक्की करे आगे बाकी कम्युनिटी के बच्चों की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मम्मी देखिए, मम्मी जी अगर आप मेरे को सुन रही हैं तो इस्लाम में ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसकी जो बातें हैं, इसके जो हुक्म है, इसको चेंज किया जाए। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते आप सभी ने एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में एक से बढ़कर एक मोमिन और मोमिनाओं की बातचीत सुनी ही होगी। बहुत से पढ़े लिखे मोमिन मोमिनाओं ने लाइव स्ट्रीम में आकर अपनी अक्ल और अपनी डिग्रियों को ताक पर रखकर इस अरेबिक कल्ट की पैरवी करने की नाकाम कोशिश की, जो इंसानियत के नाम पर किसी धब्बे से कम नहीं। वहीं दूसरी ओर बहुत से ऐसे मोमिन और मोमिनाएं भी आईं जिन्होंने अरेबिक कल्ट को दबी जुबान से गलत तो माना, पर इस कल्ट के डर के कारण खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी को भी उनके मुर्दत होने की भनक भी पड़ गई तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इन सब के बावजूद बहुत सारे मोमिन मोमिनाओं ने अरेबी कल्ट यानी इस्लामिक कल्ट को खुलकर गलत बोला और इंसानियत की दुनिया में वापस आ गए। आज की इस वीडियो में आप सब एक माँ बेटी की डिस्कशन साहिल भाई के साथ सुनने वाले हैं। एक बेटी ने अपनी माँ की देखरेख में खुद इस्लामिक कल्ट को तो छोड़ा ही, साथ में अपने साथियों को भी इस कल्ट की गुलामी से आज़ाद कराया। इस बेटी की माँ, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, समाज में फैले इस कल्ट की वजह से कितनी उथल पुथल मची हुई है इसे पता नहीं है, पर इस माँ ने अपने दीन की किताबों में लिखी बातों को जितना जाना और समझा है उसको वो सही नहीं मानती है। ये माँ इन किताबों में लिखी गलत बातों में बदलाव चाहती है, पर उसको ये नहीं पता ये अरेबी कल्ट ऐसा करने का किसी को भी इजाज़त नहीं देता। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल हेल्प की डिमांड नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? दीदी आ रही है। नूर जी, क्या हाल चाल आपके? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी हम भी ठीक है। मोमिना है अभी तक या इस्लाम को टाटा बाय बाय कर दिया आपने? No, I am quit. You are fit? नहीं नहीं मैंने मैंने move on कर लिया है। अच्छा, move on कर लिया है, क्यों कर लिया? लेकिन इतना प्यारा मजहब, इतनी इसमें प्यारी प्यारी चीजें हैं, तो आपने क्यों move on कर लिया? नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें प्यारी प्यारी चीज है, क्योंकि मैंने पढ़ा है बहुत डीपली और मैं खुद एक पहले आलिमा रह चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे जो मेरे एरिया के पास है, मतलब बहुत ही अच्छा मस्जिद है, मदीना मस्जिद, वहां से मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की है। आपने नूर जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नूर जी आप लाइव है और पूरी दुनिया आपको देखेगी, तो पर्सनल डिटेल आप किधर की भी ना बताएं ताकि आपकी आइडेंटिटी पता ना चले लोगों को, तो थोड़ा सा जी एकदम डिटेल में आप जो है पर्सनल डिटेल ऐसी चीज ना बताए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओके ओके। मैंने हदीस शरीफ पढ़ा है सही बुखारी की और सही मुस्लिम की और सुनन दाऊद की भी, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें मिली जिस जो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको उसमें? जैसे फोर वाइफ्स का जो है रूल वो, और जो अभी आपका टॉपिक है कि जो हम जैसे बच्चे को जो हमने गोद लिया है किसी भी बच्चे को, तो क्या हम जैसे अगर हम लड़के को गोद ले रहे हैं तो अगर वो बड़ा हो रहा है, अगर उसकी वाइफ है, क्या उससे शादी अलाउ है या नहीं है? और दूसरा कि अगर वो लड़की है जिसको हमने पाला है तो उससे शादी अलाउ है या नहीं है, ये चीज। तो जी, ये चीज मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और भी बहुत सारी रीजन है। और दूसरा फीमेल को जैसे सही बुखारी का जो हदीस है मेंस्ट्रुएशन वॉल्यूम 1 चैप्टर है, चैप्टर का नाम वॉल्यूम 1 है और चैप्टर का नाम मेंस्ट्रुएशन है। उसमें अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नबी करीम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने फरमाया औरतों से कि तुम्हारा जो है वो तुम कम अकल हो, तो क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या क्या भैया नाकिसुल अकल फरमाया औरतों को।
जी, क्योंकि तुम्हें जो मेंस्ट्रुएशन है वो होता है इस वजह से, और कुरान शरीफ में भी ये चीज है कि जो औरतों की गवाही है वो चार चार मर्दों के बराबर, मतलब अगर चार मर्द है उसकी, आप इस चीज को थोड़ा समझ जाइए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसकी अगर दो बराबर मानी मर्द की जाती है गवाही इसमें। चाहिए, अगर एक मर्द है तो फिर दूसरा जो मर्द नहीं है उसके बदले दो औरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जी भूल जाएगी तो दूसरी उसको याद दिला देगी, ये कुरान कहता है। जी हाँ जी तो ये कब ये तो चीजें ये आपको भी समझ आने लगी, कितना साल या कितने महीने हो गए आपको इस्लाम छोड़ के? 2 साल हुए हैं, जब मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तब तब मुझे ऐसा लगा। उससे पहले मैंने उतना डीपली मैं नहीं पढ़ा था, जैसे बचपन में आपको पता है कि हाँ 6 7 साल की एज में जो पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे इतना हमारा माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे इतनी चीजें नहीं पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी सही। इस वजह से भी नहीं पता होता है क्योंकि जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, मुझे पता है कि अगर आप एक 3 साल से लेकर एक 12 साल के बच्चे को जिस लाइन में भी आप लेकर जा रहे हो ना, फिर वो उसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाता है आगे जाने के बाद। जी तो रीजन ये था कि जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे पर्सन से मैं मिली थी जिनका मैं नहीं बताऊंगी, तो उनसे मेरी ऐसी आर्गुमेंट चल रही थी। तो मतलब शुक्र था ऊपर वाले का कि वो जो इंसान था वो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छा था, पढ़ा लिखा, जिसने पढ़ा हुआ था हदीस शरीफ को, तो उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और ऐसी है, क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो? मैं कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसा नहीं है मेरे हदीस में, जबकि मैंने पढ़ा था उस हदीस को, लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीजें नहीं पता थी। तो जो शख्स था जिसने आपसे सवालात किए, वो मोमिन था या नॉन मोमिन था वो? नॉन मोमिन था वो अच्छा, नॉन मोमिन था, क्या बात है। जी, नॉन मोमिन लोग लेकिन इसी उसको तरीके पता से आप है। लोग एंटी तबलीग करते जाओ, ऐसे कई सारी नूर जो है वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी अगर आप इस तरीके से जी एंटी जी तबलीग बिल्कुल करते। बिल्कुल जी। तो हाँ, होता एक क्या था सवाल। कि बचपन में जब मैं यही चीजें स्टेज पर बोलती थी, मैंने मैंने तकरीर किया है स्टेज पर कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो, उन्होंने, लोग कहते हैं कि 11 शादी किया, लेकिन उन्होंने मजबूरी में किया ये चीज वो चीज। लेकिन अब जो मतलब अब जो एजुकेशन में थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या मजबूरी हो सकता है कि आपको उसके आपके पास उसको एक वाइफ बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल एक सही। मैं मेरी जिस एज में है, मतलब मैं टीनेजर को पार कर चुकी हूँ, अब मैं अपना एज नहीं बताऊंगी परफेक्टली, लेकिन फिर भी मेरे सामने अगर एक 6 साल का बच्चा आ रहा है तो वो मेरा भाई बहन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस एज के तो मेरे भतीजे वगैरह है, तो हाँ, काफी छोटे हो जाते हैं। जी काफी छोटे बच्चे हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीजें मुझे जब पता चली तो मैंने कहा नहीं, ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि एक 53 ईयर्स का इंसान एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है। और जैसा आयशा ने हदीस में फरमाया भी है कि मेरी शादी 6 साल में हुई थी और 9 ईयर्स में मेरे साथ इंटरकोर्स हुआ था, ऐसी चीजें, तो दिस इज नॉट दीदी, गुड। वो आयशा तो एक जगह ये भी कहती है ना सुनन नसाई 3205 में, कि नबी जब मर रहे थे, मरने से पहले सारी औरतें उन पे हलाल हो चुकी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नबी को जी, और जो कितने जो आप परसेंट लोगों ने, एतबार। और एक चीज और, जो जो आप लोगों ने हदीस शरीफ जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने उसका हवाला दिया था, तो मैंने उन सबको खोल के मैंने खुद से चेक किया कि सच में ऐसा है कि नहीं है। तो जब मैंने चेक किया तो सच में ऐसा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो, उन्होंने इंटर कोर्स किया विद डाइड वुमेन और 9 ईयर्स ओल्ड बेबी, तो वो बच्चा ही हुआ, एक तरफ से बेबी हुई वो इतनी छोटी सी। तो ये सारी चीजें मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी ह्यूमन ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत नहीं है। तो और इवन इस इनह्यूमैनिटी भी नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम है वो इंसानों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक जो मुस्लिम है जो जिनका अकीदा जिनका फेथ अल्लाह के ऊपर है, एक वो अल्लाह के ऊपर नहीं है। सही। जी तो तो यार ये तो बड़ी ना अच्छी तो बात मतलब थी कि आप इस गंदगी से बाहर निकल गई, आपको समझ में आया। हमारे चैनल्स कब से देख रही है आप? मैंने आपका चैनल तो बहुत ही कम टाइम से देखा होगा, मतलब 2 या 3 महीने से ही देखा होगा, मतलब मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मुझे लग रहा था कि यार कहीं मैं ही एक ऐसी हूँ जो ऐसी, और फिर मैं बहुत डर भी रही थी इस चीज के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब मेरी जो मदर है वो अभी है मेरे साथ ही है, एंड शी इज सपोर्टिव, अरे वो वाह, जानती है वो चीजें। हाँ
जब मैंने उनको यार, आप तो बताया बहुत लकी है। थी, यस ओनली मदर सपोर्टिव नॉट फादर। हाँ हाँ ठीक है, कोई तो है सपोर्ट में आपके। जी वो उनको जब मैंने बताया कि ये चीज चीजें ये चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, और ये चीज बाकी रिलीजन के रिलीजियस बुक में नहीं है, इसमें है जो कि गलत है। और ये चीजें एक छह छह सात साल साल के बच्चों को मदरसों में या मस्जिदों में पढ़ाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तरफ से अगर मुस्लिम लड़का है और अगर वो किसी लड़की के साथ रेप जैसे कुछ काम कर देता है, तो उसको फांसी नहीं हो सकता क्योंकि वो 18 प्लस नहीं है। तो दूसरी तरफ आप उसे पूरी सेक्सुअली एजुकेशन दे रहे हो, क्योंकि हदीस तो मुझे कहीं से भी ह्यूमैनिटी या फॉर इसके लिए लगता नहीं है, मुझे लगता है कि वो पूरी सेक्सुअली एजुकेशन के लिए ही है, फ्री कोर्स है। और इनकी कई सारी किताबें हैं, जैसा हमारी वो सेक्सी जेवर है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, उसको भी उसमें भी इस तरीके से भयानक भयानक मसाइल जो है वो लिखे हुए हैं। जी मेरी मम्मी अभी बगल में ही है, वो पूछ रही है आपसे कि क्या ये चेंज नहीं हो सकता है, उनको लगता है कि ये बहुत इजी सा चीज है। दीदी बात कराइए, आप मम्मी जी से बात कराइए। मम्मी मेरी भोजपुरी में बात करती है, तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आए। हम समझ जाएंगे, भोजपुरी हो या कोई भी हो, हम थोड़ा बहुत तो समझ ही जाते हैं। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जी मम्मी जी, कैसी है, कैसन बा? ठीक हूँ, अभी पढ़ी हूँ उर्दू, हिंदी कम पढ़ रही हूँ, उर्दू पढ़ती हूँ, अभी बच्चे लोग को पढ़ा देती हूँ। अच्छा, आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी मम्मी जी आपकी, आप दोबारा बोलिए। बड़ा है कि आप सोच रहे हैं कि ये सब चेंज हो जाता तो सही रहता, अच्छा अच्छा इंसान के वचन दिन दिमाग चाहिए। मम्मी जी जरा मैं एक मिनट ब्लूटूथ लगा लेता हूँ ताकि मुझे आपकी आवाज साफ आए, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ अभी बोलिए मम्मी जी, आप क्या कह रही थी कि ये चेंज होना चाहिए? जी वो ये कह रही थी कि बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें लिखना चाहिए जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मदरसों में, तो वो पढ़ लिख के उससे तरक्की करे आगे बाकी कम्युनिटी के बच्चों की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी देखिए, मम्मी जी अगर आप मेरे को सुन रही है, तो इस्लाम में ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसकी जो बातें हैं, इसके जो हुक्म है, इसको चेंज किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहरा रसूलुल्लाह ने लगाया था और अल्लाह ने लगाया था, कुरान में सूरह माईदा में अल्लाह कहते हैं कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया, आज के दिन कंप्लीट किया, परफेक्ट किया। और इसी के साथ साथ फिर रसूलुल्लाह की हदीस भी है जो कई सारे जुमा के खुतबों में पढ़ी जाती है, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वशरल उमूरी मुहदसतुहा वकुल्ला मुहदसतिन बिदा वकुल्ला बिदातिन दलाला वकुल्ला दलालतिन फिन्नार, कि दीन में हर नई चीज जो है ये बिदत है, वशरल उमूरी मुहदसतुहा वकुल्ला मुहदसतिन बिदा, ये जितनी भी ये क्या कहते हैं उसको नई निकाली हुई चीज है ये बुरी है और ये गुमराही बिदत है और हर बिदत गुमराही है। ये कि सुनन अबी दाऊद की अपना साजिद साहब ने वो हदीस भी सामने रख दी, तो फइन कुल्ला मुहदसतिन बिदा वकुल्ला बिदातिन दलाला, और दूसरे हदीस में इसका एक्सटेंडेड वर्जन मिल जाएगा वकुल्ला दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम या आग की तरफ लेके जाती है। तो जिस तरीके से पहरा रसूलुल्लाह ने लगाया हुआ है कुरान की आयत के नाम पे या हदीस अपनी बात के नाम पे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। इसी वजह से आप देखिए कि अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे आप गवर्नमेंट का कोई कानून ले लीजिए, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, मेरे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया कि जिसका आप अगर तलाक हो जाता है तो आपने भत्ता देना पड़ेगा। आप देखिए चूंकि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो सारे जो बड़े बड़े उलमा थे, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उलमा है, वो सारे जो है मछली की तरह तड़पने लगे वो लोग कि यार ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आप कैसे हमारी शरीयत में मुदाखिलत कर सकते हो। उसकी वजह ये है क्योंकि जिसको परफेक्ट समझा जा रहा है, अगर आप इस तरीके की चेंजेस का अगर सोचेंगे, तो इसका मतलब चेंजेस वो चीज में होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, लेकिन आपने अगर पहले से ये तय करके रख लिया है या उसको इस तरीके से बना दिया है कि भाई ये परफेक्ट है, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इस्लाम में कोई भी
ना इम्प्रूवमेंट ना चेंजेस के कोई भी ऑप्शन नहीं। तो आप समझ रही है मम्मी जी मैं क्या कह रहा हूँ? तो जिस तरीके से आपकी बेटी इस्लाम से बाहर निकल गई है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें चेंजेस करने का, आई एम श्योर आप भी इससे बाहर निकल जाएंगी और दोनों को एक दूसरे का साथ है, ये हम सबको बहुत खुशी हुई आप दोनों की बात सुन के, क्योंकि बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो अगर या ऑल साइड से मतलब हर तरीके से बात फिट होती है कि अगर कोई माँ बाप छोड़ता है तो बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बच्चा छोड़ता है तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि दिमाग जो है वो पूरी तरीके से इस्लाम ब्लॉक कर देता है, वो अपना रिश्ता तक भूल जाते हैं कि यार इसको मैंने पाला पोसा है, ये मेरी बच्ची है, मेरा खून है, या ये इसके जरिए से मैं इस दुनिया में आया हूँ, ये मेरे माँ बाप है, ये इस्लाम इस रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी उसकी नजर में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आपके साथ ये मामला बड़ा अच्छा है नूर जी कि आपकी मम्मी आपका सपोर्ट कर रही है और वो भी इस गंदगी से आई एम श्योर बाहर निकल जाएंगी। तो हम सब की तरफ से, हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आई होप हमारी बातें सुन के या जो भी आपको जिसने बताया था, वैसे जितने लोग भी हमारे मोमिन हजरात को इस्लाम की हकीकत बताएंगे, कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। तो आपके उस दोस्त को भी हमारा बहुत बहुत प्यार, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी, और उनकी मेहनत रंग लाई, आप बाहर निकली, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जितने लोग देख रहे हैं नूर और उनकी मम्मी जी के लिए गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजे ताकि मोटिवेशन मिले और कई सारी नूर। मम्मी जी कुछ कह रही है? वो इस चीज को समझने के लिए राजी ही नहीं है कि उसमें रिफॉर्म्स जो है वो अलाउ नहीं है, वो बार बार एक ही चीज मुझसे कहती है हमेशा कि इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए। अभी मैंने दलील दे दी ना, कुरान से बढ़ के तो कोई चीज मोमिनों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल रही है कि मतलब गवर्नमेंट को ना इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जबकि उनको ये चीज नहीं पता है, उससे कोई बात नहीं। मैं समझ गई आपकी बात जी। जी आप मम्मी जी को अपने तरफ से समझा दीजिएगा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन तो इंसान बनाते हैं और सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन या कानून बनाए जाते हैं और उसमें रद्दो बदल भी होते हैं। आप सोचिए कि इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसानियत के पैमाने पे उतरता है और अगर नहीं भी उतरता है तो लोग उस पर आवाज उठाते हैं और बिलाखिर फिर गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ता है कि भाई इस तरीके से कानून को चेंज किया जाए या उसमें अमेंडमेंट किया जाए। इंसानों का कानून जो है वो इतना अच्छा, लेकिन खुदा का कानून इतना बकवास और इतना बेहुदा और इंसानियत के खिलाफ कैसे हो सकता है, ये कुछ सोचना चाहिए मम्मी जी को भी। और इससे एक ही बात साबित होती है कि ये कोई खुदा के तरफ से कोई कानून नहीं था, बल्कि खुद ये खास करके जो मर्द हजरात थे इस्लाम में उन्होंने अपनी चाहत, क्योंकि मेरा ये मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी भगवान हो या कोई भी अल्लाह हो, वो ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे। अगर वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात को मैंने ही बनाया है, तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि फिर उसमें से दो कैटेगरी के लोग हैं, एक ये कैटेगरी के और एक इस कैटेगरी के। लेकिन इन चीजों को जो मोमिन है उनको समझना चाहिए एक इस्लाम के नजरिए से हटकर, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा चीज कि अगर इन केस कोई बच्चा ऐसा है जो समझ जाए, तो उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सामने में कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एंड स्पेशली आप समझ सकते हो एक लड़की के लिए तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी, आप आई और आज की स्ट्रीम में आपने चार चांद लगा दिया, और खास करके मम्मी जी ने जो दो तीन बातें की है उससे और चार चांद लग गए, टोटल आठ चांद लग गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, खुश रहिए और अपने करियर पे फोकस करिएगा, काफी यंग है आप, छोटी है, आगे बढ़िए और खुद के पैर पे खड़े होइए आप, ताकि आगे कोई आपको दबा ना सके। जी जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम या सलाम। और आहिस्ते आहिस्ते ये सलाम और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आहिस्ते आहिस्ते आप लोग। हाँ मैं बताती हूँ इसका मतलब मुझे पता है, लेकिन वही है ना कि मैं फिर बोलूँ क्या आपको, ये हो जाता है कि मैं बोलूं क्या आपको। हमारे जफर हेरेटिक साहब है, वो कहते हैं साइंस हाफिज, तो आप साइंस हाफिज बोल दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। ओके ओके ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस कल्ट से किसी भी तरीके से अपना कनेक्शन जो है वो नहीं रखना चाहिए, ताकि इनको कुवत ना मिले। इस्लाम की कुवत जो है वो नंबर्स में, मेजोरिटी में, दिखावे में, तो इनकी कुवत में बिल्कुल हमें शामिल नहीं होना चाहिए।
इस वजह से इनसे टोटल पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। आज चलो मजबूरी है किसी से आप कोई मोमिन से बात कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप मोमिन से बात कर नहीं कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से इसको अवॉइड करना चाहिए। और मुझे मालूम है कि आदत हो जाती है, तो आहिस्ते आहिस्ते इस आदत को भी आप लोग जो है वो कम करते जाइए। चलिए थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।